हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो अपना कोई ट्रेन जर्नी नहीं होने वाला है और ना ही किसी रेलवे स्टेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। आज का वीडियो अपना होने वाला है कि आप इंडियन रेलवे या नेपाल रेलवे का अगर मेरा जर्नी देखे होंगे या इंडियन रेलवे में कहीं ट्रेवल किए होंगे तो आपको इस तरह का बॉक्स दिखा होगा। इस तरह का आपको बॉक्स जो होती है वो ट्रैक के साइड में दिखा होगा, पर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस बॉक्स का क्या काम है, ये कैसे वर्क करता है, क्यों लगा रहता है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि ये बॉक्स का एक्चुअल में काम क्या है और ये क्यों लगा होता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो देखने से पहले आपको इस बॉक्स के बारे में पता था कि नहीं था, ये अपनी राय दीजिएगा। और चलिए हम आपको इस बॉक्स के बारे में बताते हैं। जो इस तरह की बॉक्स होती है ये आप एल्युमिनियम बॉक्स ऐसे बहुत सारे देखोगे, यहाँ भी लगा है और उधर भी लगा है, आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ भी लगा है और आगे भी लगा है। तो ये वाली बॉक्स प्रत्येक 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में लगा होता है। और इस बॉक्स का मेनली काम मतलब तीन है। पहला काम होता है इसका एक्सल कैलकुलेशन करना। एक्सल बोले तो जो ट्रेन का जो पहिया अटैच होता है, एक एक्सल में 2 पहिए होते हैं, व्हील्स, जिसे व्हील्स बोलते हैं। और एक मतलब जो बोगी होती है, ट्रेन का डब्बा जिसे बोलते हैं, एक बोगी में 4 एक्सल होता है और एक एक्सल में 2 व्हील्स होते हैं। तो 4 एक्सल हो गए तो 4 × 2 = 8 व्हील्स होते हैं। तो ये मेनली वही का कैलकुलेट करते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये एक वायर के थ्रू कनेक्ट है और डिवाइसेस वहाँ पे लगे हैं जो व्हील्स को कैलकुलेट करते हैं। आपको दिखाते हैं, ये जो डिवाइस लगी है ये एक वायर से कनेक्टेड होगा। आपको अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए, ये वायर है और उस तरफ भी लगा है। तो ये मेनली क्या करता है, जब ट्रेन इसके ऊपर से जाती है तो ये जितने मतलब इसकी एक्सल्स होती है ये इसको काउंट कर लेता है और उसकी स्पीड भी मेजर। और सेकंड इसका काम है स्पीड मेजर करना, ये ट्रेन का स्पीड भी मेजर कर लेता है। और थर्ड है डायरेक्शन मेजर करना, तो ये डायरेक्शन भी बता देता है मेजर करके कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये मेजर करने का मतलब क्या है, ये क्यों मेजर करता है। तो देखिए, मतलब स्पीड मेजर करना मतलब पता कर लेता है कि ये ट्रेन मतलब इधर से कितनी स्पीड में गई है, ट्रेन किस डायरेक्शन में गई है। और ये जो एक्सल मतलब काउंटिंग करने का मतलब ये होता है कि जब ट्रेन जाती है तो ये टोटल एक्सल गिन लेते हैं और ये आगे वाले स्टेशन पे मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं कि ट्रेन इधर से गुजरी है, इतनी एक्सल है, आगे वाले डिवाइस को ये फॉरवर्ड कर देती है। वहाँ भी जो डिवाइस लगी होती है वहाँ भी वो काउंटिंग करते हैं। अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं रहता है तो ये उसे आगे वाले को फॉरवर्ड कर देता है और स्टेशन में एक अलार्म सा बजता है कि ट्रेन का मतलब एक्सल मैच नहीं किया है। तो जो भी स्टेशन मास्टर था वो समझ जाता है और फिर ट्रेन को सिग्नल रेड करके रोक के फिर देखते हैं कि कहीं कोई बोगी वोगी पीछे छूट तो नहीं गया, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया बोगी के साथ, ऐसे ही मैसेज पहुंच जाता है। तो इससे दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा जानकारी एल्युमिनियम बॉक्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेपाल रेल और रेल से मतलब अपडेट, कोई भी अपडेट वीडियो में सबसे फास्ट लाता हूँ, आपको भी पता होगा। और खास करके नेपाल रेलवे का कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले मैं ही लाता हूँ, यानी रघु ब्लॉग्स चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, बताइएगा कि आज से पहले आपको इस बॉक्स के बारे में पता था या नहीं था। नहीं था तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मुझे पता था या नहीं था, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।